तो वो तू था। तू ही था ना? किसके इशारे पे बोल? तुम्हारे पिता के इशारे पे क्या? झूठ मत बोल, सच बोल, बोल! सच कह रहा हूं, तुम्हारे पिता ने ही कहा था, वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें पता चले। मैंने शक्ति को खत्म कर दिया है, मुझे और पैसे चाहिए। 10 लाख और देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं सबको सच बता दूंगा। मैं बंद पड़ी पुरानी मिल में मिलूंगा। सेम मैसेज मैंने सबको भेज दिया है। किसी न किसी का तो रिप्लाई आएगा। वेट एंड वॉच। की मौत मर गया। मुंह खुलता तो हम लटक जाते। बॉस काम हो गया। उसे ऊपर पहुंचा दिया ना? हाँ, यमराज के पास। उसकी लाश भी दफन कर दी। तो तू है वो? पता चल गया तुझे? पुलिस, जब पता चल ही गया है तो वजह नहीं जानना चाहेगा। इस कहानी में अगर तू हीरो है तो मैं भी हीरो हूं, अगर तू विलन है तो मैं भी विलन हूं। अभी शुरू नहीं हुई ये कहानी, तुझे याद है सालों पहले। मेरे पिता की मौत वहीं हुई थी जहां तेरा बाप मारा गया था। जिस पुलिस वाले को शिवा ने मारा, मैं उसका बेटा हूं। शिवा उनका कत्ल करके चला गया पापा, और मैं बैठकर घंटों आंसू बहाता रहा। भीड़ में भी मैं एकदम अकेला हो गया था, और पूरा आजमगढ़ मेरा दुश्मन बन गया था। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि शिवा से बदला जरूर होगा। मैं उसे किसी और के हाथों कैसे मरने देता? उसने मुझे यह सोचकर अपना लिया कि मैंने उसकी जान बचाई। मैंने शिवा से एक चीज सीखी कि सबसे पहले अपने शिकार को डराकर अपनी मुट्ठी में कर लो, उसके बाद उसे खत्म करो। मैंने उससे जो सीखा वो उसी पर आजमाया। मुझे ताकतवर बनना था और पावर चाहिए थी। 20 सालों तक मैं उसका भरोसा जीतता रहा। उसके जरिए मैं एक मिनिस्टर बना। उसे लगता है कि मैं जो भी हूं उसकी बदौलत हूं। नहीं, अपने दम पर बना हूं मैं। पावर मिलने पर
मैंने अपना खेल शुरू किया, एक प्लान बनाया तेरे पाप को खत्म करने का। उसे बेइज्जत करने के लिए मैंने मुन्ना नाम के एक मामूली गुंडे का इस्तेमाल किया। शिवा को मारने के लिए गुंडे भी मैंने ही भेजे थे। मैंने शहर में एक ईमानदार पुलिस कमिश्नर लाया ताकि शिवा को सलील किया जा सके और वो शिवा को उसकी औकात बता सके। लेकिन शिवा ने तुझे एक पुलिस वाला बना दिया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट के पीछे मेरा ही हाथ था। लगा था पूरा आजमगढ़ तबाह हो जाएगा। लेकिन खेल का असली मजा तो तब आया जब उसे बर्बाद करने के लिए तू उसके खिलाफ खड़ा हुआ। मैंने उसे लालच देकर केमिकल कंपनी के मामले में घसीटा, लेकिन मेरे हर चाल को तूने नाकामयाब कर दिया। एक वफादार कुत्ते की तरह इसलिए तुझे मैंने हटाने का फैसला किया। ए, किस्मत वाला है, मौत तुझ तक नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, वो शिवा नहीं बचेगा। पिछले 20 सालों से दबा हुआ आक्रोश अब ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। बॉडी तगड़ी है तेरी, लेकिन भेजा एकदम खाली। अब सुन, तू उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा की जान यहां। तब तो तू भी मरेगा, मैं तुझे नहीं मारने वाला। अपने बाप के हाथों मरेगा तू। बाप कहता है ना शिवा को, वही बाप मारेगा तुझे। शिवा ने तेरी तरह मुझे भी बड़ा किया। एक तू है जो उसे बचाना चाहता है, पर मैं उसे मारना चाहता हूं। अब देखते हैं शिवा किस पर भरोसा करता है, तुझ पर या मुझ पर। एक दिन देख लेना, उसी के हाथों तेरी मौत होगी, वो भी मेरे कहने पर। मेरे पापा, मुझे जब मैं अनजान था तब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब जानने के बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। मुझसे पंगा ले रहा है, शक्ति से पंगा ले रहा है। जंग को जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन मैं वो हूं जो बिना लड़े ही जीत जाता। किसी और से पंगा लिया होता तो ठीक था, लेकिन शक्ति से पंगा लेके तूने गलत किया। मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा हूं, उल्टा टांग कर मारूंगा। बुलावा आ गया। मालिक, शक्ति को अब और माफ नहीं करना चाहिए। हुक्म दीजिए, उसे अब भी काट कर फेंक दो। तू क्या कर लेगा, अभी तो तू छोटा है। आजमगढ़ पर आज शिवा का कहर भर पैदा। What's going on, शक्ति? पुलिस पे हमला हो रहा है, या तो तुम कोई एक्शन लो या मैं लेता हूं। मैं ही इसे खत्म करूंगा। मालिक, अभी अभी खबर मिली है कि शक्ति अपने भाई को अरेस्ट करने के लिए आ रहा है, आप कुछ कीजिए। सुन, घर चल। मां जल्दी करो ना, पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। ला रही हूं बेटा। चल। कहां चल रहे हैं? आओ शक्ति, मेरे साथ चल। अरे, पुलिस वाला बनकर मुझे तू अरेस्ट करने आया है? नहीं शक्ति। हाँ, मैं तुझे अरेस्ट करने आया हूँ। रुक जा शक्ति, ये तेरा भाई है, तू इसे गिरफ्तार करेगा बेटा। माँ। नहीं बेटा। शक्ति। रुक। अभी भी मेरे दिल में तेरे लिए थोड़ा सा प्यार और लगाव बचा हुआ है।
इसीलिए तू जिंदा है। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सब खत्म। ये आखिरी मौका दे रहा हूं। विजय देख मेरी बात सुन। हरी मिशन hey, मैं सब जानता हूं, मुझे सिखा मत। तू ऐसा क्यों कर रहा है शक्ति? अपने छोटे भाई को इस तरह से अरेस्ट करने का आखिर क्या मतलब है? अंदर रहेगा तो जिंदा रहेगा। कहना क्या चाहते हो? तुझे कहा था उसे अरेस्ट करने के लिए, उसने कर लिया। ये कैसे मुमकिन है? वारंट तो मेरे पास है। भाड़ में गया वारंट, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। गड़बड़ हो गई। अगर मैं उसे अगवा करके मारूं तो शक मुझ पर होगा, लेकिन वो अरेस्ट करे और मैं मारूं, इसीलिए मैं उसे यहां लाया हूं। तूने उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? मैंने हमेशा अपने छोटे भाई का भला ही चाहा है। उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए कुछ खाने को ले आओ, मैं आता हूं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा भाई यहां है।